गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिंग क्लोजिंग रिएक्शन की। तो देख लेते हैं रिंग क्लोजिंग रिएक्शन, इसको स्टार्ट करते हैं इसके डिफिनीशन से। डिफिनीशन यहाँ पे लिखी हुई है, रिंग क्लोजिंग इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन द पाई सिस्टम ऑफ द ओपन चेन पार्टनर कंटेन्स के पाई इलेक्ट्रॉन्स, द करस्पॉन्डिंग साइक्लिक पार्टनर कंटेन्स के माइनस टू पाई इलेक्ट्रॉन एंड वन एडिशनल सिग्मा बॉन्ड। इसमें यह कहा जा रहा है कि जो हमारे ओपन चेन वाली है, ओपन चेन पार्टनर जो उसमें क्या कंटेंट है, के पाई इलेक्ट्रॉन्स है, और जब वो रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी जो हमारे पास साइक्लिक पार्टनर होगा उसमें के माइनस टू पाई इलेक्ट्रॉन होगा। इसको डिटेल में समझते हैं, इसके एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल हमने पिछली वीडियो में लिया था, वही है लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ये होगा के पाई इलेक्ट्रॉन्स का, के पाई इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर जैसे कि आपको CH3 दिया हो और यहाँ पर H हो और एक CH3 यहाँ पर हो और H यहाँ पर हो, इसको कराना हो आपको थर्मल कंडीशन में, बस इतना आपको दिया हो। अगर इसका एग्जांपल क्या है, इसको क्वेश्चन की तरह हम करते हैं। चलिए मान लीजिए अगर इसको हमें इतना ही दिया है कि ये हमें थर्मल कंडीशन में कराना है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा थर्मल के लिए टी। तो अभी हम देखेंगे कितना पाई बॉन्ड है, ऑड है कि इवन है, एक दो यानी कि इवन है, इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। तो टी ई थर्मल इवन कौन रोटेटरी होता है, इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो उसको ज़रूर देखना, उसमें इसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेनेशन कर। तो थर्मल इवन कौन रोटेटरी, इसे हमारा पता चल गया। लेकिन ये तो हमारा शॉर्ट ट्रिक है, अगर आप MSc में तो इतना लिखने से काम नहीं चलेगा, इसके आगे भी पूरा लिखना पड़ेगा। जैसे कि FMO मेथड से कैसे सब आ रहा है, जैसे कि इसमें होमो लिमो अगर आप देखें, इसमें वेव फंक्शन होमो कौन होगा, 1 2, तो यहाँ पर साई 2 होमो हो जाएगा हमारा। होमो कौन होगा, साई 2 होगा। अब जब साई 2 यानी कि इवन है, तो इवन वाले में हमारी कौन सी सिमेट्री होती है, C2 सिमेट्री। अब C2 सिमेट्री होती है तो हम कौन सा रोटेशन कराएंगे, FMO मेथड, इससे पहले वाली वीडियो में बताया गया है। C2 सिमेट्री तो कौन रोटेटरी। तो बस अब इसको करा लेते हैं हम, ये बॉन्ड इधर मूव करेगा, ये बॉन्ड इधर मूव करेगा, तो इधर एक बॉन्ड बन जाएगा और ये वाला बॉन्ड इधर आ जाएगा। इधर एक बॉन्ड आ गया, ये बॉन्ड बन गया। अब ये CH3 कहाँ पर आएगा, ये CH3 कहाँ पर आएगा, ये डिफाइन करेगा ये कौन रोटेटरी। पहले पता चलना चाहिए कि ये कौन रोटेटरी है कि डिसरोटेटरी है। अगर पता चलेगा कौन रोटेटरी है तो पहले हम उसको रोटेट करके देखेंगे। चलिए करते हैं रोटेट उसको। एक CH3 देखिए, ये हमारा पूरा एक ग्रुप है, ये कंपाउंड मान लीजिए यहाँ तक, ये वाला ऐसे यहाँ से, तो ये देखिए ये अंदर की साइड है, ये वाला CH3 जो है अंदर की साइड है और ये वाला CH3 जो है वो बाहर की साइड है। तो हम CH3 को देखिए, ये वाला CH3 जो अंदर की साइड है वो ये वाला, ठीक है, और ये वाला जो ये बाहर की साइड है वो इधर वाला। तो ये एक अंदर है एक बाहर है, तो कौन रोटेटरी कराना है, तो हम कौन रोटेटरी में या तो एंटी क्लॉकवाइज करते हैं या फिर क्लॉकवाइज, तो दोनों को इस तरह से रोटेट करेंगे इस तरह से। तो ये भी नीचे जा रहा है और वो भी नीचे जा रहा है, ठीक है, दोनों नीचे, या फिर हम करें इस तरह से क्लॉकवाइज, इस तरह से करेंगे, ये भी ऊपर है और ये वाला भी ऊपर है, या तो दोनों ऊपर होंगे या तो दोनों नीचे होंगे। तो CH3 हमारा एक यहाँ पर ऊपर और दूसरा CH3 यहाँ पर ऊपर, या तो दोनों को आप दिखा सकते हैं या तो दोनों को नीचे दिखा दें, दोनों तरीका है। एक ऐसे हो गया, ये तो हो गया अब थर्मल कंडीशन में। अगर हम इसी को अगर कराना हो फोटोकेमिकल कंडीशन में, तो फोटोकेमिकल के लिए लिखेंगे MP, बॉन्ड देखेंगे, इसमें बॉन्ड काउंट करेंगे, एक दो इवन, तो इवन के साथ कॉन्ट्रोटेटरी TEC हो गया, तो PE बचता क्या है, D, तो यहाँ पर हो जाएगा डिसरोटेटरी। अब यहाँ पर साई 2 होमो था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साई 3 होमो। Q
क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके अगले ऊपर वाले में जाएगा ना। इसको मैं अभी दिखा दे रहा हूँ, पहले इसको लिख लूँ। साई थ्री होमो, तो ऑड के लिए ये ऑड है ना, साई थ्री यानी ऑड मिरर प्लेन सिमेट्री हो जाती है। मिरर प्लेन सिमेट्री होगी तो डिस रोटेटरी। इससे भी हो गया हमारा, इससे भी हो गया। अगर आपको शॉर्ट में करना हो तो ऐसे कर सकते हैं, अगर पूरा लिखना हो तो इस तरह से लिख सकते हैं। तो अभी हमारा किस तरह से बनेगा उसको हम देख लेते हैं। पहले इसको बना ले इस तरह से, एक बॉन्ड हमारा यहाँ पर आ जाएगा। रोटेशन तो वैसे ही होगा, बॉन्ड का रोटेशन ये ऐसे और ये ऐसे, यहाँ पर ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। लेकिन और ये एंड ग्रुप वाला जो ये रोटेशन है वो अलग होगा। अभी देखना ये वाला और ये वाला। अभी इसमें ऊपर आया है दोनों, तो इसमें तो अपोजिट आ ही जाएगा, इतना तो क्लियर हो रहा है। लेकिन इसको भी हम करके देखते हैं। इसे ये सी एच थ्री अंदर वाला यही फिर से ले लीजिए, ये सी एच थ्री अंदर का, और ये सी एच थ्री को बाहर रखिए, ये वाला सी एच थ्री ये रहा। अब इसमें क्या करना है कि एक को एंटी क्लॉक वाइज, दूसरे को क्लॉक वाइज ऐसे घुमाना है। अब ये वाला जो है वो हमारा ऊपर आए और लेकिन ये वाला नीचे है। अभी हम इसको अपोजिट भी करके देख लें, ऐसे है ये कुछ इस तरह से। अगर हम इसको इसको क्लॉकवाइज करें या फिर इसको एंटर क्लॉकवाइज, एक ऊपर एक नीचे जा रहा है, एक ऊपर एक नीचे। ये हो गया हमारा सी एस थ्री, एक ऊपर वाला और सी एस थ्री एक इधर नीचे। तो इसमें और क्या था कि पाई इलेक्ट्रॉन्स था इसमें, द करस्पॉन्डिंग साइक्लिक पार्टनर कंटेंट्स के माइनस टू पाई इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर के पाई इलेक्ट्रॉन है, तो जो इसमें साइक्लिक पार्टनर बन रहा है इसके साथ, इसमें के माइनस टू पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा एंड वन एडिशनल सिग्मा बॉन्ड। और इसमें एक सिग्मा बॉन्ड ऐसे बन रहा है तो एक पाई का लॉस हो रहा है, लॉस ऑफ पाई बॉन्ड गेन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो ये हो गया हमारा, ये के पाई इलेक्ट्रॉन के माइनस टू पाई इलेक्ट्रॉन, ये हो गया डिफिनेशन हो गई हमारी। अब हमारे पास क्या बचा है कि ये साई टू होमो कैसे आ रहा है, ये साई थ्री होमो कैसे आ रहा है। अगर आपने ध्यान से पिछली वीडियोस को पढ़ा होगा, देखा होगा, तो समझ में आ गया होगा। लेकिन मैं फिर से समझा देता हूँ। जैसे कि पहले हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन बनाते थे, कैसे, किसके लिए, ये एक्साइटेड, ये ग्राउंड स्टेट के लिए होता था थर्मल कंडीशन में, और दूसरा हम लेते थे एक्साइटेड स्टेट में, वो होता था फोटोकेमिकल कंडीशन में। तो ये हो जाता था हमारा साई वन, इसके पीछे हम ऑर्बिटल भी बनाते थे, वो मैं नहीं बना रहा हूँ, वो साई वन और ये साई टू और ये साई थ्री। तो फिर अब इसमें हम जब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते थे, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितना है, दो तो चार, चार इलेक्ट्रॉन। जब चार इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हम इसमें करेंगे, दो यहाँ पर और दो यहाँ पर, तो ये वाला हो जाएगा हमारा होमो, साई टू होमो और साई थ्री लूमो। तो यही लिखा गया इसमें कि ये साई टू होमो। अब जब साई टू होमो तो उसमें होगी, अभी अभी बताया गया FMO मेथड में जो सी टू सिमेट्री, तो सी टू सिमेट्री होगी उसमें कौन रोटेटरी। तो फिर अगर हम इसी को एक्साइटेड स्टेट में देखें, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये दोनों तो ऐसे ही रहेगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐसे और ये दूसरा वाला एक्साइटेड होकर यहाँ पर चलाएगा। तो इस वाले में होमो ये वाला हो जाएगा साई थ्री वाला, ये साई थ्री वाला होमो हो जाएगा। उसे वही लिखा गया इसमें साई थ्री ये वाला होमो, और मिरर प्लेन सिमेट्री होगी, ये ऑड नंबर ऑफ है, ऑड नंबर ऑफ वे फंक्शन है, तो इसमें ऑड नंबर ऑफ में तो डिस रोटेटरी होगा। तो ये हो गया हमारा के पाई इलेक्ट्रॉन के लिए। के पाई इलेक्ट्रॉन हमारा ओपन चेन पार्टनर होता है, तो के माइनस टू पाई साइक्लिक वाला हो जाएगा, और एक एडिशनल वाला सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, एडिशनल सिग्मा बॉन्ड मिलेगा। यही थी इसकी डिफिनेशन के अकॉर्डिंग सब हो गया हमारा। अब हम देख लें ये के पाई था, तो के पाई प्लस टू पाई इलेक्ट्रॉन देख लो, के प्लस टू पाई इलेक्ट्रॉन। अगर आप इसको लेकर देखेंगे इस एग्जांपल को, जैसे कि इसमें हम ले सकते हैं ये वाला, तो चलो इसको करा दें, इसको भी अगर थर्मल कंडीशन में करा रहे हैं इसे, टी बॉन्ड को हम देखेंगे, एक दो तीन ऑड नंबर ऑफ बॉन्ड है, ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, टी ओ डी
ई के लिए सी होता है तो ओ के लिए डी होगा। तो इसमें होमो कौन सा होगा, शाई वन शाई टू शाई थ्री, शाई थ्री होमो हो जाएगा। जब ये थ्री है तो मिरर प्लेन से मेट्री हो जाएगी, जब मिरर प्लेन से मेट्री होती है तो डिसरोटेटरी होता है, ठीक है। अब बॉन्ड को सुबह में इसको इस तरह मूव करेंगे, इसको इस तरह और इसको इस तरह, तो हमारी ये बनी गई सिक्स मेंबर रिंग। एक बॉन्ड यहाँ पर आएगा, एक बॉन्ड यहाँ पर, और ये सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर यही हमारा है एंड ग्रुप का एंड पॉइंट ना, तो अभी हमें देखना है कि ये सी एच थ्री कहाँ जाएगा और ये सी एच थ्री कहाँ जाएगा। तो इसको हम देखते हैं इस तरह से रोटेट करा के, एक सी एच थ्री अंदर है, एक सी एच थ्री बाहर, तो इसको हम ऐसे रख लें। ये सी एच थ्री हमारा जो है वो अंदर है और ये सी एच थ्री बाहर है, तो इसमें हमें क्या क्या कराना है, डिसरोटेटरी। तो एक ऐसे होगा, दूसरा ऐसे होगा, एक नीचे एक ऊपर, या तो फिर हम इसको ऐसे कर लें या फिर ऐसे कर लें, फिर भी ये ऊपर ये नीचे, एक ऊपर एक नीचे होगा। इसको आप इस तरह से दिखा दें, सी एस थ्री, या फिर आप वेज बांध के थ्रू दिखा सकते हैं ऐसे। इसको हम आगे आने वाले क्वेश्चन से करेंगे, पहले आप इतना दिखिए। ये हो गया हमारा थर्मल के लिए, अगर हम इसी को करें फोटो केमिकल कंडीशन के लिए तब क्या होगा, एच न्यू के लिए करें तो एच न्यू यानी ये फोटो केमिकल कंडीशन में है, तो सबसे पहले पी बॉन्ड गिनेंगे, एक दो तीन ऑड नंबर ऑफ बॉन्ड है, पी ओ, पी ओ के साथ आता है सी हमारा कॉन्ट्रोटेटरी। अब इस तरह से हम करें इसमें शाई फोर हो जाएगा होमो, तो शाई फोर यानी इवन है, तो इसमें हो जाएगी सीटो सिमेट्री और हो जाएगा हमारा कॉन्ट्रोटेटरी। सीटो सिमेट्री हमारा कॉन्ट्रोटेटरी होता है ना। इसमें भी हम पहले सिक्स मेंबर रिंग बनाए गम थे, अब इसमें एक अंदर है एक बाहर है, अब इसमें ये वाला अंदर है ये वाला बाहर है, अब इसमें कराना है कॉन्ट्रोडक्टरी, ये दोनों इस तरह से हो जाए, दोनों एंटी क्लॉकवाइज या फिर दोनों क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, या तो दोनों ऊपर आ रहे हैं, ये देखिए ये दोनों हैं एक अंदर एक बाहर, इस तरह से करेंगे दोनों ऊपर। ये दोनों ऊपर सी एच थ्री है, ये रिंग क्लोजिंग रिएक्शन हमारा, देखिए ये हमारी रिंग ओपनिंग थी, यहाँ पर क्लोज हुआ थर्मल कंडीशन में भी फोटोकेमिकल कंडीशन में भी। ये हमारा ए पाई इलेक्ट्रॉन यानी फोर पाई इलेक्ट्रॉन के लिए था, ये फोर पाई प्लस टू इलेक्ट्रॉन के लिए था, यहाँ पर क्या था एक दो तीन सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन था। अब यहाँ पर देखिए इस वाले पास दो दो चार फोर पाई इलेक्ट्रॉन, यानी कि के पाई इलेक्ट्रॉन होगा तो के माइनस टू पाई इलेक्ट्रॉन जो प्रोडक्ट बनेगा साइक्लिक वाला, उसमें से एक पाई बॉन्ड कम हो जाएगा और एक सिग्मा बॉन्ड नया बनेगा। ये हो गया हमारा, तो हमारी रिंग क्लोजिंग रिएक्शन होती है कंप्लीट। अब हम देखते हैं रिंग ओपनिंग रिएक्शन को, तो रिंग क्लोजिंग रिएक्शन हो गया हमारा, अब हम देखते हैं कि रिंग ओपनिंग रिएक्शन, रिंग ओपनिंग रिएक्शन देखना है हमें। तो रिंग ओपनिंग इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन इफ द रिंग पार्टनर कंटेन्स के पाई इलेक्ट्रॉन, द ओपन चेन पार्टनर विल कंटेन के प्लस टू पाई इलेक्ट्रॉन विथ द लॉस ऑफ वन सिग्मा बॉन्ड। तो वो यहाँ पर देखिए एग्जांपल में, यहाँ पर के पाई इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर मानो यहाँ पर एक पाई है तो यहाँ पर दो पाई, यानी के प्लस टू पाई इलेक्ट्रॉन हो रहा है यहाँ पर। यहाँ पर देखिए एक सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है, तो लॉस ऑफ वन सिग्मा बॉन्ड। ये हो गई हमारी डिफिनीशन, डिफिनीशन के अकॉर्डिंग ये हो गया। लेकिन अगर हम अब हमें इस रिएक्शन को करानी हो थर्मल कंडीशन में, तो थर्मल के लिए हम क्लोजिंग में हम क्या करते हुए हैं, थर्मल के लिए टी और यहाँ पर देखते हैं ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, तो ओ, ओ के लिए टी, ओ के लिए डिसरोटेटरी कराते हैं। लेकिन ये रिंग क्लोजिंग नहीं, रिंग ओपनिंग रिएक्शन है, तो रिंग ओपनिंग में कुछ अलग करना है, कुछ अलग होगा इसमें। देखिए कैसे, यहाँ पर देखिए देखेंगे अगर आप, तो यहाँ पर एक पाई इलेक्ट्रॉन है, एक पाई बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पर जो इसका फॉर्मेशन हो रहा है वो दो पाई बॉन्ड हो रहा है, और ये जो बना हुआ है वो इसी से बना हुआ है। अगर आप रिंग क्लोजिंग देखेंगे तो पहला एग्जांपल ये था, तो इससे ये बनता है, तो यहाँ पर होता है फोर पाई इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर है फोर पाई इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर है टू पाई इलेक्ट्रॉन,
तो ये बना कैसे है, 4π इलेक्ट्रॉन वाले से बना है ना, तो दो यहाँ पर है और यहाँ पर जो 2π इलेक्ट्रॉन था वो सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ है। तो रिंग ओपनिंग में जब करेंगे ना तो जो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा उसको भी और जो पाई बॉन्ड बचा है दोनों को हम कंसीडर करते हुए इवन ऑड लेंगे। तो हमारा ये हो जाएगा पाई बॉन्ड एक है ये, और एक सिग्मा बॉन्ड को भी कंसीडर करेंगे जो हमारा बना हुआ है इससे, यानी कि ये किससे बना हुआ है, उसे बना है, इसमें 4π इलेक्ट्रॉन है तो इसमें भी 4π इलेक्ट्रॉन को हमें कंसीडर करना है। तो फिर 4π इलेक्ट्रॉन होंगे, एक ये दो, तो इसमें हो जाएगा इवन नंबर ऑफ, जब इवन होगा तो हमारा रोटेशन जो होगा कौन रोटेटरी हो जाएगा। ये क्लोजिंग से थोड़ा सा अलग है क्योंकि उसमें सीधे सीधे इसमें बाउंड देख लेते थे एक दो TEC करके निकल जाते थे, लेकिन अगर क्लोजिंग वाला जो हमारे पास रिंग ओपनिंग होगा उसमें आप इस तरह से कहें, या तो फिर अगर एक है तो एक बढ़ा कर लेना हमें, अगर ऑड है ऑड दिख रहा है तो इवन लेना है, इवन दिख रहा है तो ऑड लेना है, इस तरह से करना है। तो थर्मल इवन कॉन्ट्रोडक्टरी हो जाएगा हमारा। तो ये बाउंड इस साइड की अगर मूव करेगा और ये बाउंड इस साइड की तरफ मूव करेगा तो हमारे पास सीधा सीधा ये प्रोडक्ट बन जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास अब यहीं पर स्टीरियो केमिस्ट्री दी हुई हो इसकी कुछ इस तरह से, अब इसमें CH3 या तो ऊपर होगा या तो नीचे होगा एक में और दूसरे वाले में। चलिए पहला लेते हैं कि दोनों CH3 ऊपर है, जैसे कि रिंग ओपनिंग में हमने, रिंग क्लोजिंग में हमने किया था, CH3 यहाँ पर ऊपर है, एक CH3 हम यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर ये KH और यहाँ पर ये H। अब इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री दिखानी है कि ये यहाँ पर कहाँ पर आएगा, ये इसके इन दोनों का एंड है, अब ये CH3 कहाँ पर आएगा, तो इसको हम देखते हैं इसे। तो इसके लिए हम देखते हैं ये दोनों CH3 ऊपर है ना, तो ये ऊपर वाला समझिए CH3 है, ठीक है। तो ये CH3 ऊपर है, ये CH3 ऊपर है, ये दोनों ग्रुप का अलग अलग जो पॉइंट है, ये वाला एंड पॉइंट है ये, और ये वाला एंड पॉइंट जो है वो ये CH3 ऊपर है, ये CH3 ऊपर है। अब इसमें रोटेशन कराना है हमें कौन रोटेटरी, तो ये होगा हमारा कौन रोटेटरी कराने के लिए, या तो हम क्लॉकवाइज मूव कराएं या फिर एंटी क्लॉकवाइज मूव कराएं। तो पहले हम क्लॉकवाइज करा के देखते हैं, ये इस तरह से है, इसको इस तरह से क्लॉकवाइज घुमाया तो इसको भी इस तरह से क्लॉकवाइज। तो क्या देख रहे हैं कि ये वाला जो है, ये वाला इसका जो ये CH3 वाला पार्ट है ये ग्रुप के बाहर है, और ये वाला जो है वो अंदर की साइड है, ठीक है। ये वाला पूरा ग्रुप अगर इधर समझेंगे बीच वाला, तो ये अंदर की साइड आ रहा है, तो एक बाहर एक अंदर। अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज या फिर काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन कराएं इस तरह से, ये इस तरह और ये इस तरह घूमेगा, दोनों साथ में घूमेंगे ये इस तरह से, तो ये वाला बाहर ये वाला अंदर, तो एक बाहर एक अंदर, तो एक बाहर एक अंदर कैसे दिखाएंगे। तो ग्रुप ये है हमारा, इसका एंड पॉइंट ये है, इससे बाहर ये हो जाएगा ये CH3, और अंदर एक H दिखा देते हैं। अब इस ग्रुप के एक बाहर था एक अंदर था ना CH3, तो CH3 एक अंदर यहाँ पर हो जाएगा और बाहर हम एक H दिखा देते हैं। तो अगर आप देखेंगे रिंग क्लोजिंग में तो हमारा ये प्रोडक्ट था, ये रिएक्टेंट था और ये वाला प्रोडक्ट था, तो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है ना, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। तो मैंने उस प्रोडक्ट को लेकर अब इसको उस प्रोडक्ट को लेकर यहाँ पर रिएक्टेंट बनाया और फिर इससे ये प्रोडक्ट मिला। अब हम देखते हैं ये दूसरा वाला एग्जांपल, इसमें क्या था, एक CH3 ऊपर था, ये भी ऊपर था, अब इसमें एक ऊपर करेंगे एक नीचे, यहाँ पर CH3 और एक CH3 यहाँ पर नीचे करते हैं, एक H यहाँ पर एक H यहाँ पर, इसको कराना है फोटोकेमिकल कंडीशन में। तो बॉन्ड कैसे रोटेट होगा, ऐसे ही होगा, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, तो रिंग ओपन हो जाएगी वैसे, ये ऐसे जाएगा इधर, ये इधर जाएगा इधर, ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड ऐसे, ये ऐसे, फिर यहाँ पर दोनों डबल बॉन्ड ये वाला इधर हो जाएगा। तो अब ये CH3 एक ऊपर है एक नीचे है, तो हमें कराना फोटो केमिकल कंडीशन में, यहाँ पर लिखेंगे P, यहाँ पर दिख रहा है कि ऑड नंबर ऑफ पी, ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, लेकिन हमें ये बना कैसे है, इवेंट है, तो हमें कंसीडर करना होगा इवेंट ही लेना है। तो PE इसमें होता है डी, डिसरोटेटरी, PED डिस, फोटोकेमिकल में इवेंट होगा तो डिसरोटेटरी मोशन होगा। अब इसको देख लीजिए वो कैसे होगा, तो अब इसको समझ लेते हैं इससे, ये CH3 ऊपर है और ये CH3 नीचे है, तो ये ऊपर वाला CH3 हो गया, ये हमारा वाला, ये ऊपर CH3 हो गया और ये वाला जो CH3 है इसको हम नीचे कर लेते हैं, ठीक है। ये वाला हो गया ऊपर, ये वाला हो गया नीचे, अब इसमें कराना है डिसरोटेटरी मोशन। डिसरोटेटरी में एक जाएगा क्लॉकवाइज, दूसरा जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, तो ये वाला जो वो ग्रुप के बाहर जा रहा है और ये वाला अंदर आ रहा है, ठीक है। अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज करें
इसको एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से, और फिर इसको क्लॉकवाइज इस तरह से। तो ये वाला जो ग्रुप है, ये वाला सी एच थ्री, ये वाला बाहर की साइड आ रहा है, और ये वाला सी एच थ्री जो है वो अंदर की साइड, एक अंदर एक बाहर। तो यही हमारा दोनों एंड ग्रुप है, एक अंदर एक बाहर। तो इसको बाहर कर लेते हैं, और एक एच यहाँ पर अंदर, एक इस वाले को अंदर कर लेते हैं इस सी एच थ्री को, और एक एच यहाँ पर बाहर। तो ये हो गया हमारा 4π 4n सिस्टम के लिए। अब हम देखते हैं 4n प्लस 2 के लिए। उसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं इस तरह से। एग्जांपल मैं वही ले रहा हूँ जो मैंने रिंग क्लोजिंग में कराया है, जो प्रोडक्ट आया उसको मैं ले रहा हूँ। चलिए अब इसको कराते हैं हम थर्मल कंडीशन में। थर्मल के लिए ले लेते हैं हम टी। एक दो, इवन दिख रहा है लेकिन लगे ऑड। ओपन वाले में हम इवन दिखेगा तो ऑड करेंगे, ऑड दिखेगा तो इवन करेंगे, ऐसे समझ सकते हैं आप। या फिर इसको ये कैसे बना है उसको समझेंगे। ये इधर मूव रहा होगा, ये इधर रहा होगा, ये इधर रहा होगा, तो इसमें 3π इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, तो इसमें 3 रहे होंगे, यानी कि ऑड रहा होगा। तो इस तरह से करके समझ सकते हैं। तो टीओ के साथ हमेशा डी डिसरोटेटरी होगा। अब ये डिसरोटेटरी कैसा होता है इसको समझते हैं। तो ये कहाँ जाएगा, तो देखिए ये दोनों ऊपर है, दोनों सी एच थ्री ऊपर की साइड है। तो एक सी एच थ्री हम इसको लेते हैं, और एक सी एच थ्री इसको, इन दोनों को रखते हैं ऊपर की साइड। अब रोटेशन कौन सा कराना है, डिसरोटेटरी, एक एंटी क्लॉकवाइज और दूसरा क्लॉकवाइज। तो दोनों अंदर की साइड आएंगे, या फिर दोनों ये वाला क्लॉकवाइज, ये वाला एंटी क्लॉकवाइज, ये दोनों बाहर की साइड चले जाएंगे। ये दोनों सी एच थ्री दोनों ग्रुप से बाहर की साइड, दोनों बाहर की साइड चले जाएंगे, ठीक है। इसमें ये वाला बाउंड इधर की तरफ मूव करेगा, ये वाला इधर की तरफ, ये वाला इधर की तरफ। तो एक बाउंड यहां पर आ जाएगा, डबल बाउंड यहां पर होंगे, और यहाँ से एक बाहर की तरफ, दोनों बाहर की तरफ जाएगा ना, ये सी एच थ्री, ये सी एच थ्री इधर ही एच, इधर की एच। या फिर अब हम इसको कर लें, एक ऊपर कर लें एक नीचे कर लें। ये एग्जांपल पहले वाले थोड़ा अलग हो गया है, इसको मैंने फोटोकेमिकल कंडीशन में कराया था, लेकिन यहाँ पर थर्मल करा दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल बस सही है, यहाँ पर जो है वो सही है। ये हो जाएगा सी एच थ्री, तो एक ऊपर होगा एक नीचे होगा, तो क्या होगा। और इसमें अगर कराना है हमें फोटोकेमिकल कंडीशन में, अगर ये सुनियो की कंडीशन में, तो फोटो के लिए, फोटोकेमिकल के लिए पी, एक दो इवन दिख रहा है लेकिन होगा ऑड। पीओ के लिए होता हमारे पास कंडोटेटरी, तो कंडोटेटरी करा के देखते हैं हम, एक ऊपर एक नीचे। तो ये वाला सी एच थ्री को ऊपर मानते हैं, और ये इस वाले को हम नीचे कर लेते हैं। क्या कराना है, कॉन्डोटेटरी, दोनों को सेम डायरेक्शन में मूव कराना है। ये इस साइड मूव करेगा एंटी क्लॉकवाइज, दूसरा वाला भी एंटी क्लॉकवाइज, दोनों अंदर की साइड आ रहे हैं। या फिर अगर इसको हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करें, या फिर इसको क्लॉकवाइज मूव करेंगे, तो दोनों बाहर की साइड आ रहे हैं, या तो दोनों अंदर या तो दोनों बाहर। तो फिर यहाँ पर लिखते हैं इसे, तो ये वाला बाउंड जो मूव होगा वो इधर आएगा, ये वाला इधर, ये वाला इधर, तो इधर हो जाएगा एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर। अब ये एंड एंड ग्रुप से दोनों अंदर की साइड, या तो दोनों बाहर की साइड, दोनों को बाहर कर लो और अंदर की साइड यह हो जाएगा। ये हो गई हमारी रिंग ओपनिंग रिएक्शन। तो रिंग ओपनिंग एंड रिंग क्लोजिंग दोनों हो गई हमारी। अब इस पे देखेंगे हम कुछ क्वेश्चंस, जिससे आपका कन्फ्यूजन और भी क्लियर होगा। क्वेश्चन देखेंगे हम अगली वीडियो में, लेकिन इससे पहले अभी इसमें एक चीज़ छूटी हुई है। जैसे कि अगर हम इसको FMO मेथड के थ्रू कर रहे थे ना, इसमें कौन सा होमो होगा, कौन सा शाही, कौन सा वेव फंक्शन होगा, वो देखना है हमें ना। तो यहाँ पर कितना था, इवेंट था ना, तो यहाँ पर 4π इलेक्ट्रॉन में कंसीडर करना है। तो 4π, इसको आसान में समझने के लिए, अगर हमारे पास 4π इलेक्ट्रॉन है, तो
एक में भरने के लिए हमारे पास दो ज़रूरत होती है, और दो में भरने के लिए हमारे पास चार, तो ये अगर शाही भर लेते हैं तो ये शाही टू हो जाता है, ठीक है। तो हमारे पास होमो कौन सा हो जाएगा, शाही टू। शाही टू होमो, जब इवेन वाला होमो होता है तो होती है हमारे पास सी टू सिमेट्री। जब सी टू सिमेट्री होती है तो हमें रोटेशन कराना, कौन सा कराते हैं, कौन रोटेटरी। अगर आपने पहले की, इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है, उसमें इसके बारे में काफ़ी डिटेल में बात की है, एक बार उसको देख लीजिएगा। तो अगर हमें इसको इसको हमें फोटो केमिकल कंडीशन में कराना हो तो ये हो जाएगा हमारा शाही वन वे फंक्शन, और ये वाला हो जाएगा शाही टू, जैसे कि इसमें होगा शाही वन शाही टू, लेकिन ये फोटो केमिकल कंडीशन ना, एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर ऊपर वाले में जाएगा, तो ये शाही टू था होमो इसमें, तो इसमें शाही थ्री होमो हो जाएगा। तो शाही थ्री ऑड नंबर ऑफ वे फंक्शन जब होमो होता है तो उसमें होती है मिरर प्लेन सिमेट्री। जब मिरर प्लेन सिमेट्री होती है तो मोशन होता है हमारा डिसरोटेटरी। यही हो गया हमारा PED, डिसरोटेटरी, सही है। अब इसमें देखते हैं, एक दो तीन शाही वन शाही टू शाही थ्री, तो शाही थ्री होमो हो जाएगा इसमें, और ये थ्री है यानी कि ऑड है मिरर प्लेन सिमेट्री। जब मिरर प्लेन सिमेट्री तो डिसरोटेटरी मोशन। अब इसमें देखेंगे शाही वन शाही टू शाही थ्री तो है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर यशनी की कंडीशन में ऊपर जाएगा। ये पहले की वीडियो में काफ़ी डिटेल में बात हुई है कि वो कैसे एक्साइट होकर ऊपर जाता है, तो इसमें शाही फोर हो जाएगा होमो। जब ये इवन नंबर ऑफ वे फंक्शन जब होमो होता है तो हमारे पास होती है सी टू सिमेट्री। जब सी टू सिमेट्री होती है तो हमारे पास होता है कॉन्ट्रोडक्टरी मोशन। हम इससे भी कर सकते हैं, ये ट्रिक है और ये पूरा लिखने के तरीका है। तो रिंग क्लोजिंग और रिंग ओपनिंग हो गया हमारा, तो बस हो गया। तो आज की इस वीडियो में आपके लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।